हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, अभी सुबह का हो चुका है 7:57 और मैं अभी आ चुका हूँ जिम और यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। इसके बाद में भैया पूरा दिन की जर्नी क्या रहने वाली है आप सभी लोग देखने वाले हो। वैसे आज काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा क्योंकि मुझे भाई जाना है आज दिल्ली। दिल्ली इसलिए जाना है क्योंकि यार मैंने अपनी कार में कुछ काम करवाया था करोल बाग से, भरत कार से। ट्यूनिंग वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब मेजर इशू नहीं है लेकिन छोटे छोटे कमियां छूट गई हैं तो वो रेक्टिफाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने बुलाया था कि भाई समय निकाल करके आ जाओ, अगर दिल्ली कुछ काम होता है तो हम यही कर देते हैं, अदरवाइज वो तो कह रहे थे हम खुद ही लखनऊ आ जाते हैं। हमने कहा यार तुम्हें नहीं दौड़ाऊंगा, मैं आ जाता हूँ और एक दो चीजें और भी कस्टमाइजेशन कराने हैं कार के अंदर, तो वो भी साथ में हो जाएंगे। तो भैया ये है अपनी थार, हमने खड़ी कर दी है जिम के बाहर। ये आप मेरा जिम देख रहे हो ऊपर, बॉडी स्ट्रांग करके। मेरी बॉडी अभी स्ट्रांग हुई नहीं है, पैसे ले लिए अच्छे खासे और मेरी बॉडी स्ट्रांग नहीं हो रही है। वो देखा है ना पीके, पीके सर भैया मंडवा तो ले लिया लेकिन काम नहीं कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये हमारे ट्रेनर सर हैं जो हमें ट्रेन कर सकते हैं। तो अभी करीब 4 एक्सरसाइज हमने कर लिया है, 5वीं ये हम करने जा रहे हैं और उसके बाद यार 9 बजने वाला है, ऑफिस भी निकलना है। तो फाइनली हमने अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया है। बस चलिए हम नीचे उतरते हैं। तो फाइनली भैया हम अपनी कार के पास आ चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं यार, निकलने से पहले हम सोच रहे थे कि सर्विस सेंटर अपनी कार को दिखा देते हैं। यार थोड़ा सा एक कल से एरर आ रहा है, या लाइट जल जा रही है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या यार, पैडल का निशान बना हुआ है, तो वही मैं सोच रहा हूँ इसको दिखा लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे हम रास्ते में हैं, करीब 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है सर्विस सेंटर का। दोस्तों देखोगे यहाँ पर इस एरर की हम बात कर रहे थे और अभी क्या होगा, देखो पहले गियर में गाड़ी चल रही है, मतलब बूम कर रही काफी और ये आगे गियर ही नहीं चेंज कर रही है। तो गूगल मैप ने अपना अच्छे तरीके से काम किया है और आप यहाँ पर देखोगे कि हमें गलियों से ला करके डेस्टिनेशन पर मेरी पहुँचा दिया है। तो ये जो है महिंद्रा सर्विस सेंटर के अंदर हम आ चुके हैं और ये आप दिखाते हैं अपनी गाड़ी को, गाड़ी कहीं साइड लगाते हैं। तो ये अभी सर्विस एडवाइजर आ रहे हैं, देखेंगे भाई इशू क्या इशू है। तो अभी ये भैया जो है इसको ड्राइव कर रहे हैं, चेक करेंगे जो प्रॉब्लम है, पहले देखते हैं कि क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम नहीं आता है, ये है कि 20-25 मिनट जब ड्राइव करो तब जा करके एरर आता है। क्या प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि मुझे आज निकलना है दिल्ली, तो मैंने सोचा भाई पहले इसको दिखाते हैं। तो करीब 7 किलोमीटर हमने गाड़ी को अभी ड्राइव कर लिया है लेकिन अभी तक वो एरर नहीं आया। अब यही इशू है, वो हमेशा नहीं आता है, कभी कभार तो 1 किलोमीटर ही चलो आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि करीब 20-25 किलोमीटर चल जाओ, है ना। सर्विस सेंटर पर आ चुके हैं अब भाई, यहाँ पर एक ही है ऑप्शन, सिस्टम लगा करके इसको चेक करेंगे। तो एंट्री हो चुकी है अंदर, तो ये भैया ने अपना सिस्टम लगाया है, देखो ये डिटेल्स फेच कर रहा है, अभी रीड कर रहा है। तो ये आप देखोगे ये सारी इंफॉर्मेशन जिनमें ग्रीन टिक लग के आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड कर रहा है और ये OBS केबल होती है उससे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं गाड़ी को। तो ये इंफॉर्मेशन ये फेच हो चुकी है, देखो सारे मॉडल ग्रीन हो चुके हैं यहाँ पे। वैसे आपके हिसाब से किस चीज़ का ये प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बता सकते हो? नहीं पता, ऐसे नहीं ऐसे कुछ नहीं, ये सामने शो किया। ओ किया, चलो ये कुछ एरर्स आए हैं इसमें, अब देखने देते हैं। तो फाइनली कार का जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं अपने ऑफिस में। कैमरा लेना है, माइक लेना है, इन केस वहाँ पर एक दो दिन लग जाते हैं तो वीडियो बनाना हो तो कम से कम अपने पास में इक्विपमेंट होंगे, तो वो सारी चीजें पैकिंग कर लेते हैं फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए।
आप देखोगे कि हम लोग कार के अंदर बैठ चुके हैं। लाइट मैं जलाता हूँ थोड़ा सा फ्लैश लाइट, क्योंकि अंधेरा हो चुका है काफी, और चेहरे अब आपको दिख रहे होंगे। ये बीएलई सोसाइटी है और हम बैठे हुए हैं, पीछे हमारे अरुण अवस्थी जी बैठे हुए हैं। और अब भैया दिल्ली के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। टाइम काफी हो गया है क्योंकि पूरी रात हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो गाइज अभी हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है, 11 बजने वाला है और काफ़ी टाइम हो गया था ड्राइविंग करते हुए। और मैंने सोचा कि भाई ये मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया, आशा मोटल रेस्टोरेंट, होटल तो सुना था मैंने आज तक, मोटल आज पहली बार सुन रहा हूँ। मोटल का मतलब हाईवे पे जो होटल्स होते हैं जहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है, तो वो उनको मोटल बोला जाता है। तो कलीग हैं वो पहले ही पहुँच चुके हैं और ये है इनका रिसेप्शन। और ये देखिए, वो हो ये देखिए, सारे लोग बैठे हैं डिनर करने के लिए। और फाइनली मैं भी आ चुका हूँ ज्वाइन करने के लिए। तो ये भैया ऑर्डर लेकर के आए हैं, काफ़ी फास्ट सर्विस है यार। भाई डिनर अपना हो चुका है और खाना काफ़ी अच्छा था, और हम आ चुके हैं अपनी कार के पास में। और अब भाई निकलते हैं क्योंकि सुबह हम चाहते हैं अपने टाइम पर दिल्ली पहुंच जाएं, जिससे कि जो भी हमारे गाड़ी का काम होना है वो टाइमली इसका स्टार्ट हो जाए। वैसे तो इस मोटल में भी स्टे हम कर सकते थे, रात ज़्यादा हो चुकी है। दोनों कलीग आ चुके हैं और अब हम निकलते हैं। 7 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, सफर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2:43 हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी अपनी भैया हवाओं से बात कर रही है। तो फाइनली गाइस आप देखोगे कि हम रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं भरत कार्स, जहाँ से हमने मॉडिफिकेशन अपनी कार में कराया था। और अभी करीब 10:15 हो चुके हैं। बाहर का व्यू आप देखोगे, होटल के बाहर कुछ इस तरीके का व्यू है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, क्योंकि ये बेसिकली कार की मार्केट है, सारी कार की शॉप्स आप सभी को दिख रही होंगी। चलिए अवस्थी जी हमारे रेडी हो चुके हैं और इसके बाद में हम निकल रहे हैं यहाँ से रूम से। रात ड्राइविंग की है कि सुबह गाड़ी अपनी सही समय से लग जाए और टाइम से पहुंचाए, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी किया है, लेकिन नींद नहीं आई यार। मतलब होता है ना, मतलब एक टाइम शेड्यूल आपका बन जाता है, उस बीच में ही आपको नींद आती है ना, तो वो बेसिकली टाइम आउट हो चुका था, इसलिए सो तो नहीं पाए हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस हो रही है। तो चलिए पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल से बाहर, अब चलिए निकलते हैं। सबसे पहले तो कार का जो काम कराना है वो हम लोग कराते हैं, फिर जा कर के अदर जो टाइम बचता है वो ऑफिस के कामों के लिए वो करवाते हैं। भरत कार्स आ चुके हैं, सामने शॉप है। और आज जाकर के भैया मैंने टाइम इतना, मतलब उस दिन मैं आया था 11 बजे, सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई, और आज थोड़ा समय जल्दी पे आया हूँ। तो फाइनली हमारी कार का जो काम होना था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और भरत भाई ने आज अपना पूरा टाइम हमें दिया और सारी चीजें अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो चुकी हैं। एक बार आपको फिर से मैं धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू भैया। नहीं, पहले तो मैं आपको बोलूंगा सॉरी भैया, आपको नहीं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, जो भी चीजें चली इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, होता है थोड़ा बहुत इशू, तो कोई इशू नहीं है, आज रिजॉल्व हो चुकी है सारी चीजें। तो फाइनली गाइज काफी कुछ काम कम्प्लीट हो चुका है कार का भी, और आप भैया हम लोग फ्री हुए हैं और शाम भी हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं इंडिया गेट, और हमारे साथ में सारे मेंबर्स भी जो साथ में बैठे हुए हैं कार में। तो
फाइनली हम अभी इंडिया गेट पहुंच चुके हैं और ये है कुछ नजारा सामने। आप देखोगे शाम का टाइम है तो काफी विजिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं। अपना ब्लैक हॉर्स पीछे खड़ा है और आप चलते हैं। यहीं पर रोड पे मैंने पार्क कर दिया है और ये देखो अवस्थी जी तो पहले आगे आगे जा रहे हैं। भाई हमें भी ले लो। तो अभी आप देखो कि सामने इंडिया गेट की जो बिल्डिंग है वो आपको दिख रही होगी और काफी लोग हैं यार, क्राउड देखो। कुछ लोग अपना फोटो शूट कराते हुए हैं। चलते हैं इस पथ को। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। अभी अवस्थी जी का वेट है। अवस्थी और अनीस जी अभी भी होटल नहीं पहुंचे हैं। हम दोनों लोग अलग अलग हो गए थे क्योंकि कई सारे टास्क थे, तो हमने सोचा यार कुछ टास्क हम निपटा लेते हैं और कुछ टास्क उनको दे दिया था तो वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे ही आते हैं, अभी डिनर का टाइम हो रहा है, हम लोगों को डिनर करना है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में यहाँ पर डिनर करने के लिए और काफ़ी क्राउड है यार। मतलब देखोगे कि अवस्थी जी आ रहे हैं, बड़ा स्लो स्लो आ रहे हो। क्या बात है भाई, ऑर्डर हो गया? ये क्या लाए हो यार? ये टोकन है। टोकन लेके आया हो? टोकन है। ओ बाय द वे ये टोकन है, नंबर मिले इसे। देखो इलेक्ट्रिक है, ये लाइट जलेगी ना। हाँ जब ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा, बताया होगा ना, रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ ब्लिंक करता है, ये बुला रहा है। तो वस्ती जाओगे? जाओ वस्ती लेके जाओ हमारा। अब डिनर कर लिया है और अब जा रहे हैं भैया अपने होटल। सामने होटल।